मीरा बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था कि वो आगे चलकर पीएचडी करके एक लेक्चरर बने। हालांकि मीरा एक गरीब घर की लड़की थी, दो बहनों में वो सबसे बड़ी थी। उसके पिता बस कंडक्टर की नौकरी किया करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण और सभी बहनों की फीस भी भरा करते थे। अथवा उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। एक दिन मीरा और उसकी छोटी बहन राधा बाजार राशन का सामान लाने गए हुए थे, तभी गांव का एक लफंगा वहां आता है और मीरा को छेड़ने लगता है। क्या बात है मीरा, आजकल तो तुम अपनी सुंदरता हमें दिखाती नहीं हो, ये चांद नजर नहीं आता, कहां फिरती रहती हो आजकल? देखो मोहित, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे, मेरा रास्ता छोड़ दो। ये बोलकर मीरा आगे बढ़ जाती है कि तभी रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। देखने वालों की भीड़ उमड़ जाती है मगर कोई एक शब्द नहीं बोलता। ए सड़े आम की शक्ल, छोड़ मेरी दीदी को। रोहित को सचेत करते हुए राधा उसे धक्का दे देती है। रोहित कचरे के डिब्बे पर जा गिरता है। रोहित वहीं गिर पड़ता है और बदबू से बेहाल हो जाता है। तभी गांव वाले उस पर हंसने लगते हैं। अरे तुझे तो मैं देख लूंगा। मीरा को आंखें दिखाते हुए वो वहां से भाग जाता है। दोनों बहनें खूब हंसती हैं और वापस घर की ओर जाने लगती हैं कि तभी उन्हें एक शोर सुनाई देता है। अरे ये शोर कैसा, चल राधा चलकर देखते हैं क्या बात है। लोगों का झुंड लगा होता है। मीरा के मुंह से एकदम चीख निकल जाती है जब वो अपने पिता की लाश जमीन पर लावारिसों की तरह पड़े हुए देखती है। पिताजी, अरे ये क्या हो गया पिताजी। मीरा सदमे में वहीं बैठ जाती है। सभी गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं कि शायद ये मर्डर हुआ है। अब मीरा के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। उसके पास दो बहनें होती हैं जिन्हें उसे अच्छी शिक्षा देनी होती है, तो वो अपनी पढ़ाई बंद कर देने का फैसला करती है और घर चलाने के लिए नौकरी करने की सोचती है। एक दिन एक शख्स मीरा के घर आता है। जी आप कौन? जी मैं यहाँ का डाकिया हूँ, आपके नाम खत आया है कोर्ट से। कोर्ट से? कोर्ट का नाम सुनते ही मीरा के होश उड़ जाते हैं। वो डाकिया से खत ले लेती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि मीरा के पिता ने बस के मालिक से 1,00,000 रुपए मीरा की फीस भरने के लिए उधार लिए थे जिसे वो चुकाने में सक्षम नहीं हुए। मीरा फौरन बस के मालिक से मिलने जाती है। मालिक, अब तो हमारे पिताजी भी नहीं रहे, इतनी बड़ी रकम हम भला कैसे चुकाएंगे, प्लीज हम पर थोड़ा दया खाइए। देखो मीरा, मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं। एक काम करो, तुम अपने पिता की नौकरी करो और हर महीने अपनी पगार में से 1,000 रुपए मुझे दे दिया करो। इस तरह तुम्हारी बहनें पढ़ भी लेंगी और तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। मगर मालिक, एक लड़की भला बस कंडक्टर कैसे हो सकती है, तरह तरह के लोग बस पर चढ़ते उतरते हैं हर रोज। देखो मीरा, अब जेल की चक्की नहीं पीसनी तो ये तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम देख लो। मीरा कुछ समय मांगती है कोई फैसला सुनाने से पहले और वहाँ से चली जाती है। दीदी तुम ये नौकरी मत करो, ये मालिक हमारा फायदा उठा रहा है अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए। मैं जानती हूँ राधा, मगर कोई उपाय भी तो नहीं है ना हमारे पास, वरना बैंक हमारा ये घर भी ले लेगी अगर हम लोगों ने पैसे नहीं चुकाए, हम सड़क पर आ जाएंगे। फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ नौकरी पर। चुप कर, तुम के भविष्य के लिए ही तो कर रही हूँ मैं ये नौकरी, अब तुम छे से मन लगा कर पढ़ाई करो, बाकी चीजों की चिंता तुम लोग मत करो। मीरा ये बोलकर सो जाती है और अगले दिन सुबह होते ही काम पर निकल जाती है। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं मीरा तुमने? इसमें क्या खराबी है मालिक? ये लो ये पहनो, थोड़ा तमक झमक होना चाहिए ना, तभी तो ज्यादा ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, वैसे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मीरा चुप होकर वो कपड़े पहन लेती है। हालांकि उसे शर्म आती है पर उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं होता। लोगों के लिए कंडक्टर के रूप में मीरा को देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कई लोग उसे देखकर भौचक्के रह जाते,
तो कई लोग उसकी तारीफ भी किया करते थे, मगर मीरा इन सभी बातों की परवाह किए बगैर अपना काम करती रहती थी। सभी लोग बार बार मीरा को देख रहे होते हैं। अजी सुनिए, आपके बगल वाली सीट की टिकट कितने की है? आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये सीट रिजर्व है, यहाँ सिर्फ कंडक्टर ही बैठ सकता है। अरे हट पीछे, मुझसे ज्यादा पैसे ले लो पर मुझे अपने साथ बैठा लो ना। अरे ओ रानी, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, तो तुम जरा यहाँ आके बैठ जाओ मेरे साथ, वहाँ अकेली अकेली बोर हो गई होगी ना। मीरा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, पर वो बदमाश बार बार मीरा को परेशान कर रहे होते हैं। तभी उन पैसेंजर्स में से एक आदमी उठकर आता है और बोलता है, अरे भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है? एक बेचारी सी लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो इस बेचारी को परेशान किए जा रहे हो? अरे ओ छजुंदर, चल चल चल, पतली गली नाप ले यहाँ से, पड़ा आया हमें समझाने वाला। अरे हमारे घर में माँ बहन तो है, लेकिन इतनी खूबसूरत कोनो गर्लफ्रेंड नहीं है। तू कबाब में हड्डी मत बन, चल वरना तुझे उठा के बस से बाहर फेंक दूंगा, चल चल। ये कहकर सभी हंसने लगते हैं। वो आदमी डर के मारे अपनी सीट पर जा बैठता है। वो लोग फिर से मीरा को परेशान करने लगते हैं। मीरा को समझ आ जाता है कि उन लोगों के मन में गंदगी है। जैसे जैसे बस खाली होने लगती है, वैसे वैसे मीरा का डर बढ़ता जाता है, क्योंकि वो जानती थी वो अकेली हो जाएगी अगर वो बदमाश लड़के कुछ गलत कर सकते हैं, जो कि वो करना भी चाहते थे। आखिरी स्टॉप आने से पहले ही मीरा बस में हल्ला करने लगती है, ये गुंडे मुझे छेड़ रहे हैं, प्लीज कोई बचाओ मुझे। इतने पर बस पर बचे कुछ लोग रोहित और उनके दोस्तों को पीटने लगते हैं और मीरा पुलिस को फोन कर देती है। बस के रुकते ही पुलिस वहाँ आ जाती है और उन गुंडों को पकड़ कर ले जाती है। मीरा जब उस दिन घर लौटती है तो उसमें हिम्मत आ जाती है कि अब वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकती है। कुछ साल मीरा ऐसे ही बस कंडक्टर की नौकरी करती है। धीरे धीरे बस मालिक की कमाई मीरा की वजह से बहुत होने लगती है और मीरा की तनख्वाह भी बढ़ जाती है। सारा कर्ज चुकाकर मीरा वो नौकरी छोड़ देती है और एक अच्छे कैफे में नौकरी करने लगती है, साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी करती है और इस तरह मीरा पढ़ लेती है